20 સોમવાર 2504 જેઠો 13 સોમવાર તારીખ 3/7/78 ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામી નું સમયસર શાસ્ત્ર માં ગાથા 6 ના ભાવાર્થ ઉપર સુવર્ણપુરી માં પ્રવચન શ્રી સમયસર શાસ્ત્ર પર ના 19મી વખત ના સંત પ્રવચન નંબર 24 નમો નોય સવરિયંતાણમ નમો નોય સવૃદાણમ Namo nuri sau ayiriyam, namo nuri sau ujjayanam, namo nuri sau trikalavati savanam, omkara mindu sanyavta nityam jayanti yogina, kamadam okshadam se omkara ay namo namo, manginam bhagavanu yo manginam utamavini, manginam kundkundari ujjendram osu manginam namasamari sarai, swanu bhutya chakasti chiksovai bhavaya sarvama. अशुद्धता वर्द्रव के संयोग से आती है छह टीका और क्या कहते हैं कि जो आत्मा है ना आत्मा वस्तु वो तो शुद्ध चैतन्य आनंद कण है अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान की मूर्ति है उसकी पर्याय में अवस्था में हालत वर्तमान दिशा में अशुद्धता परिद्रव के संयोग से आती है ये अशुद्धता नाम पर्याय नो भेद परिद्रव ना संयोग थी भूतानी अपनी योग्यता से होती है अशुद्धता भेद अथवा पुण्य पाप का भाव अपनी चीज जो द्रव है उसमें तो है नहीं पर उसकी पर्याय में मलिनता परद्रव के संयोग से आती है उसमें मूल द्रव तो अन्य द्रव नहीं होता क्या कहते हैं वस्तु जो सच्चिदानंद ज्ञानानंद ध्रुव वस्तु आत्मा ध्रुव नित्य वस्तु ये कभी पुण्य पाप नाम मैल ये अन्य द्रव रूप ये अन्य स्वद्रव होता नहीं समझ में आया जीनीवाद बापू धर्म धर्म एक क्या चीज है सूक्ष्म बहुत है ये मूल द्रव्य जी वस्तु है वस्तु आत्मा ज्ञान स्वरूप विनायक भाव ओ अन्य द्रव्य नाम पुण्य पाप ने भेद रूप तो कभी होता नहीं समझ में आया मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है पर कर्म नो निमित्त એના સંબંધે આત્માની અવસ્થામાં પર્યાયમાં હાલતમાં મલિનતા હો જાતી હૈ વસ્તુમાં મલિન નહીં વસ્તુ તો ત્રિકાળ નિર્મળાનંદ હૈ દ્રવ્યદ્રષ્ટિ સે દ્રવ તો જો હૈ વહી હૈ વસ્તુ જો હૈ વસ્તુ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ शुद्ध अखंड आत्मद्रव्य ये तो जो है ये वही है उसमें कोई फेरफार होता नहीं पर्याय में फेरफार इस संयोग जनित अवस्था है मलिन ये वस्तु में है नहीं दशा में पर्याय में भेद है वस्तु में नहीं या वस्तु में पर्याय है मलिनता पर्याय में वस्तु में वस्तु के वस्तु सही है पर्याय में अवस्था में मलिनता है तो मलिनता चली जाती है वस्तु में मलिनता हो तो वस्तु चली जाए एक अशुद्ध हो जाए अशुद्ध में नाश करना में जावे तो वस्तु नाश हो जाए जीने बात से भाई धर्म
दृढ़दृष्टि से दृढ़ ना वस्तु टिकाव की दृष्टि से देखो तो दृढ़ जो है वही है, जो तत्व है वो ये ऐसा ऐसा अनादि अनंत ऐसा है। और पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन ही दिखाई देता है, वर्तमान उसकी दशा उसकी हालत पर्याय उससे देखो तो मलिन है, पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन है, दृढ़ दृष्टि से देखो तो निर्मल है। आओ समझो उन्हें मार्ग अनादि ख्याल मां नहीं जन्म मरण करी दिया चौरासी ना अवतार ये पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन दिखते हैं। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव विनायक भव मात्र है, विनायक तो जानना 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 ये वो विनायक स्वभाव टिकाली उसका भाव है। वो मलिन ही है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से अगाधि रूप मलिन है, वर्तमान उसकी दशा त्रिकाल द्रव्य को छोड़कर वर्तमान अवस्था में पुद्गल कर्म का निमित्त से राग द्वेष आदि मलिन है, वह पर्याय है, ये तो अवस्था है। मनुष्यपणों पड़े कायम है, बाल युवन वृद्धावस्था है तो पर्याय का भेद है, मनुष्यपणों तो मनुष्यपणे पड़े कायम है, एम सोन को सोना पड़े कायम है, पर सोनानी अवस्था जो कुंडल करा दी होता है ये अवस्था है, ये अवस्था भेद है, ये वस्तु वस्तु में नहीं। आओ समझ में द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो विनायक तो विनायक तो ही है, वस्तु 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 त्रिकाली वस्तु द्रव्य तत्व ये दृष्टि से देखो तो मलिन ही पहले देख पड़ता है, वही देखा जाए तो गिनाए तो गिनाते ही है, वह कहीं जड़ तो नहीं हुआ। विनायक भाव जो जानन स्वभाव वो तो विनायक स्वभाव रूप तो टिकाव है, ये पुनपाप भाव जो जड़ है और कहो हुआ नहीं, पुनः ने पाप दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव उसमें विनायक भाव का अंश नहीं, वो विनायक भाव तो नहीं पर विनायक भाव का किरण अंश पर्याय उसकी निर्मल पर्याय में उसमें है नहीं, पुण्य पाप का भाव में शुभ शुभ भाव जो है मलिन है, ये जड़ है। शरीर जड़ है, ये तो रंग गंध रस स्पर्श वाला जड़ है, और पुण्य पाप का भाव जड़ है उसमें चैतन्य का प्रकाश का अभाव है, ये अपेक्षा जड़ है। क्या जड़ हुआ नहीं, यहां दृढ़ दृष्टि को प्रदान करके कहा है, गाथा में तो वस्तु की दृष्टि बताना वस्तु की दृष्टि कराना तो सम्यक दर्शन होता है, सच दर्शन होता है, जैसी चीज है ऐसी दृष्टि कराने को दृढ़ दृष्टि से प्रदान करके कहा है, है कि जो प्रमत अमरवत के भेद है
हिंदुस्तान चौदह है, ये भेद है, ये भेद है वे या कहीं जड़त न, भेद है वे परधर्म की संयोग जनित पर्याय है। शुभ शुभ भाव पर्याय में कर्म का संयोग का निमित्त से अपनी उपादान की योग्यता से उत्पन्न होता है, पर है तो ही जड़। वो कारण प्रमत पर्व का भेद है वे परधर्म की संयोग जनित पर्याय है। जैन शुभाशुभ भाव जैन परधर्म का संयोग जनित विकारी जड़ पर्याय, ऐसे परम अमृत का भेद भी पहले गुण शांति छठे प्रमाद सात में से चौदह प्रमोद ये भेद है, ये संयोग जनित की अपेक्षा भेद है, वस्तु में भेद नहीं। आगे चीज है हिंदी करे तो पर भाव तो जो अचार्य साल तो नहीं अचार्य तो बदू गड़बड़ गड़बड़ गए। दया करो व्रत करो भक्ति करो पूजा करो तो धर्म होगा हो जाएगा। भीड़ में ही धर्म नहीं भाई तो नहीं खबर नहीं। ये विकारी भाव पर्याय दृष्टि में संयोग जनित भेद है, ये वस्तु में है नहीं, अने वस्तु की दृष्टि के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया। यहाँ दृष्टि को प्रधान करके कहा है जो प्रमत अमृत के भेद है वे परधर्म की संयोग जिन पर्याय है, ये अशुद्धता धर्म दृष्टि में गौण है। ये अशुद्धता वस्तु दृष्टि कराने को ये अशुद्धता पेटा में गौण रखकर उसमें है नहीं, उसकी पर्याय में भी है नहीं, ऐसा गौण करके पर्याय है नहीं ऐसा नहीं, पर वो पर्याय को गौण करके अर्थात उसकी मुख्यता लक्षण न लेने को टिकाड़ी द्रव्य को मुख्यता लक्षण लेने को वो कारण से सम्यक दर्शन होता है धर्म की पहली सिद्धि। ये कारण अशुद्धता गौण करके है द्रव्य दृष्टि में गौण है। वस्तु जी चैतन्य प्रभु नित्यानंद ध्रुव जो वस्तु है उसकी दृष्टि में ये पर्याय न भेदों गुणस्थान आदि इन पुण्य पाप ये सब गौण है, व्यवहार है। तिकारी विनायक भाव ये मुख्य है और प्रमत आदि का भेद है गौण है। विकारी विनायक भाव है ये निश्चय है और पर्याय का भेद है व्यवहार है। नहीं आऊ जीणु से हा दरकार करी नहीं कोई भी अः संसार ना पाप आपको दीक रहे एम कई धर्म हाँ जाए तो कलाक मल्या एवं दया करो व्रत करो भक्ति करो पूजा करो धर्म थे प्रेम ही मिथ्या थे। यहाँ तो अशुद्धता वस्तु जी दृष्टि वस्तु है त्रिकाली जी कायम की असली चीज है उसकी दृष्टि कराने को दृढ़ दृष्टि की मुख्यता से ये पर्याय गौण है। त्रिकाल है निश्चय है और पर्याय व्यवहार है। त्रिकाल ये सत्यार्थ है और पर्याय अपेक्षा अभूतार्थ है। त्रिकाल सत्यार्थ है तो ये अपेक्षा ही पर्याय असत्यार्थ है। त्रिकाल वास्तविक है तो भेद उपचार है। वस्तु यही जनी से बापू आई सुधी आज काल
கழிச்சாங்க தி அது பெரியது பயன் நிரந்திருஷ்டி சுத்த வஸ்துஜி திகாளி சச்சிதானம் த்ரோ ஜிஸ்மே பல்டோ அவஸ்தா பி நீ ஏசி சீஜ ஹே சுத்த பரியாய மலினே பேதி அசுத் கர்க்கர் கிரவுண்ட் கர்க்கர் வியவார் கர்க்கர் உபச்சார் கர்க்கர் ஹே நீ ஐசா கேன ஆயா ஹே அனை திரிகாளி பகவான் ஆத்மா ஏக் சமய த்ரோ த்ரோ சிதானந்த பிரபு வஸ்து ஹே உஸ்கி திருஷ்டி சுத் ஹை கிரக திருஷ்டி சுத் ஹை க்யோகி திரிகாளி சீஜ ஹை யே சத்யார்த் ஹை பூதார்த் ஹை சத்தி சீஜ ஹை திரிகாளி உஸ்கி திருஷ்டி சுத் ஹை संयोग जनिक अशुद्ध पर्याय की दृष्टि तो अशुद्ध है पर्याय है व्यवहार है समझ में आया आज हिंदी आजा हाँ हिंदी चला नहीं समझते यानी कहीं तो हिंदी चलते आज तो नहीं कहीं तो समझ में आया द्रव्य दृष्टि शुद्ध है वस्तु है ये दृष्टि कराना ना ये द्रव्य दृष्टि शुद्ध है पर्याय दृष्टि है पर्याय तो अशुद्ध है संयोग जनित उसको गौण करके व्यवहार करके और वस्तु को मुख्य करके निश्चय करके उसकी दृष्टि कराया है पंडित जी दिगंबर संतों की वाणी गंभीर भाव वही गंभीर बात वस्तु है ये चीज बीजे क्या है नहीं श्वेतांबर में थानक राशि में अनमत में क्या ये है नहीं आवी चीज है तो कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि शुद्ध है त्रिकाणी वस्तु की दृष्टि ही शुद्ध है और त्रिकाणी दृष्टि निश्चय है ये त्रिकाली द्रव्य जो है वो निश्चय है और उसकी दृष्टि वो निश्चय है भूतार्थ है त्रिकाली चीज है ये सद्भूत छतो पदार्थ है पर्याय तो पलटती क्षणिक अवस्था संयोग जनित भेद मलिनता है हाँ तो स्वाभाविक वस्तु है त्रिकाली જેમાં સંયોગની અપેક્ષા નહીં સંયોગના અભાવની અપેક્ષા નહીં સમજાય એટલું સમજો બાપુ આ તો પરમાત્મા જિનેશ્વર દેવ તીર્થંકર ત્રિલોકના નાથ એની આ વાણી છે અત્યારે તો બધી ગડબડ થઈ ગઈ બધે જ્યાં જુઓ ચા કરો નપ્પા કરો વ્રત કરો પણ કે છે એ બધા વિકલ્પ છે તો અશુદ્ધ છે એ અશુદ્ધતા પરદરીના સંયોગે ઉત્પન્ન થાય છે એ સ્વાભાવિક ચીજ નથી સ્વાભાવિક ચીજ તો ત્રિકાળી જે ચીજ હૈ એ સ્વાભાવિક હૈ સહજ હૈ ઉસકી દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય શુદ્ધ હૈ તો દ્રષ્ટિ ભી શુદ્ધ હૈ ઓર દ્રવ્ય ભી अभेद है और पर्याय अभेद हो गई द्रव्य निश्चय है
तो पर्यायी को ये नीचे कहने में आता है भूत वस्तु भूतार्थ है भूत नाम सत्व सती हयाती त्रिकाल मौजूद चीज है पर्याय है तो क्षणिक विकार कर्म का संयोग से उत्पन्न है आ वस्तु है सत्य है भूतार्थ सत्यार्थ है सत्य सत्य कायम की सत्य पदार्थ है वो सम्यक दर्शन का विषय है समझ में आया अभ्यास नंबर एक कहीं खबर नंबर जगत ना पाप ना अभ्यास बता आंखों दी धंधा દુકાને જઈને ગ્રાહકને હાચવાનું માલ કે આ નોકરી હોય તો બે પાંચવાનું પગાર મળે પાપ એકનું ચા ખોલી ધર્મ તો નથી પણ પુણ્ય નથી અહીંયા તો ધર્મ હોને કે કારણ પર્યાય દ્રષ્ટિ કો મલિનતા અને ભેદ કી દ્રષ્ટિ કો ગૌણ કરકે टिकाली दृष्टि कराने को ये सच दृष्टि है क्योंकि वस्तु सच है त्रिकाली मौजूद चीज है मौजूद चीज भगवान त्रिकाली ध्रुव उसकी दृष्टि करना और नीचे सम्यक दर्शन है उसका नाम धर्मनी पहली सीढ़ी है अजी चारित्र तो कहीं रह गया ये तो बहुत आखिरी बात है समझ आया वेद है भूता सत्यार्थ है परमार्थ है परम पदार्थ परमार्थ ये वस्तु परमार्थ आ दुनिया नो परमार्थ ने करिए परोपकार करिए ये सब झूठ बात है कोई का कोई कर सकते है नहीं परम पदार्थ तो परमार्थ तो प्रभु पोते है त्रिकाली परम पदार्थ परमार्थ जिसकी दृष्टि करने से जन्म मरण का अंत लाने की सम्यक दर्शन होता है समझ में आया इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है वस्तु छे तो त्रिकाली विनायक 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 ज्ञान रस ज्ञान स्वभाव विनायक ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव विनायक भाव ये तो त्रिकाली विनायक भाव स्वरूप है आवी भाषा ने आऊं बोलूं बापू मारक जीनो बहु भाई છે એ કારણે આત્મા જ્ઞાયક જી એક જ્ઞાયક સ્વરૂપ જાણક સ્વભાવ માત્ર એ તો હોય જાણક સ્વભાવ કાયમી ટિકાળી જ્ઞાયક સ્વભાવ જાણક સ્વભાવ માત્ર આત્મા હૈ ઉસમે કોઈ મલિનતા ને ભેદ હૈ નહીં उसमें भेद नहीं ये प्रमत प्रमत और पुण्य पाप का भाव वो वस्तु का स्वरूप में नहीं है भेद नहीं इसलिए यह प्रमत प्रमत नहीं ये कारण है वो प्रमत प्रमत जी गुण स्थान में भेद जब सीढ़ी चढ़ने में जो प्रगतियां होता है ना कई એમ ભેદ હૈ ગુણસ્થાન 14 પર્યાય ને વો ઉસમે હૈ નહીં જ્ઞાયક ભાવ નામ ભી ઉસે જ્ઞેય કો જાનને સે દિયા જાતા હૈ જાનને વાલા જાનને વાલા એસા કહેને મેં આતા હૈ તો જાનને વાલા પર કો જાનતે હૈ મટે જાનને વાલા હૈ ना ये तो पर को जानने के कारण अपनी
ज्ञान की विकास शक्ति प्रकट हुई, अपने से हुई है। पर का जानना, स्व का जानना, वो पर्याय में पर्याय की विकास नाम से व्यक्त प्रकट हुई, ये अपने से हुई है, पर से नहीं। आ समझ में आया। विनायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। क्यों? कि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है ज्ञान की पर्याय में, पर्याय निभाता चलती है, इसकी पर्याय में राग जानने में आता है, शरीर है इसी जानने में आता है, ज्ञान की पर्याय में उसी झलक नाम जानने में आता है। ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है ज्ञान की पर्याय में, सुपर प्रकाशक पर्याय का सामर्थ्य जो विकसित हुआ उसमें राग ने शरीर आदि देखने में जानने में आता है, तब ज्ञान में वैसा अनुभव होता है। तो ज्ञान में ऐसा अनुभव होता है तो मैं तो ज्ञान की पर्याय हूँ, तथापि उसे ज्ञेय का तो शुद्ध नहीं। क्या कहते हैं? टिकाड़ी ज्ञायक भाव तो शुद्ध है, कौन उसका ज्ञान हुआ है पर्याय में, तो ज्ञान उसका हुआ वो ज्ञान की पर्याय में स्व तो जानने में आया, पर वो ज्ञान की पर्याय अवस्था में पर जानने में आया, तो पर जानने में आया तो इतनी पर ज्ञेय कृत पराधीनता उसमें आई, ऐसा है नहीं। ये परग्नि कृत जो भाव गिनने में आए तो स्वग्नि अपनी पर्याय का भाव है, ये ज्ञान पर्याय अपना पर्याय का भाव है, ये ज्ञेय कृत से हुआ है ऐसा है। अरे आई बात हो गई, भाषा तो शादी से पर वही भाव तो जी हो ही प्रमाण वही नहीं। क्या किया कि जे जानने वाला एन क्रम कहने में आया, तो जानने वाला उस अपने को तो जाना, पर वो पर को जानने के काल में पर जैसी चीजें तैसा यहाँ ज्ञान होता है, तो ऐसा तो पर के कारण से ही पर्याय हुई है, ऐसा है नहीं। ये पर का जानने की पर्याय भी अपनी अपनी शक्ति के विकास हुआ है, स्वपर प्रकाश का विकास हुआ है, प्रकट हुआ है, ये अपनी पर्याय है, अपने से प्रकट हुई है, पर से नहीं। समझ में आया? वो उपदेश के जो गाय आमिर नहीं, हम द्रव सुन पर्याय सुन अभेद सुन भेद सुन, क्या आया अनादि काल अज्ञान में रोलते रोलते परिभ्रमण, का कौवा कीड़ा कागड़ा कंथवा उसमें भवन अंत किया, अरे आए भी नहीं समझे तो मेरी ने त्या जा ही गए। भले यहाँ करोड़ोंपति हो, मांस दारू आदि खाते न हो दारू आदि, पर भान नहीं वस्तु ना माया कपट ना लोभ आदि भाव किया हो। पशु में जाइया, फिर अवतार मनुष्य ना मिलना कठिन पड़ेगा, धर्म तो कठिन पर मनुष्यपणों मिलना कठिन पड़ेगा। चीज जैसी ऐसी समझ में ज्ञान में न आवे तब लग तो परिभ्रमण का भाव है। ज्ञान में वैसे अनुभव आता है, जीवन राग ने शरीर को जाना तो ये ज्ञान की पर्याय जानने में आई है, ये राग का ज्ञान हुआ माटे राग को जाना अथवा राग से ज्ञान हुआ ऐसे है नहीं। ये ज्ञान पर्याय अपने अपने को जाना, वो पर्याय में पर को जाना, तो
तो पर के कारण से प्रभु जानना हुआ ऐसा है नहीं, अपने में ही स्वपर प्रकाश का बाण हुआ, विकास हुआ, प्रकट हुआ, ये राज से प्रकट हुआ नहीं। शरीर को जाना तो शरीर से जानने की पर्याय उत्पन्न हुई नहीं। समझ में आया? तथापि उसे गिनकर अशुद्धता नहीं, क्योंकि जैसा गिनी जहां ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, जैसा शरीर ने राग, जैसी अपनी पर्याय में स्वग्नि जानने में आया, कोई पर्याय में परका जानने में आया, ये प्रतिभाषित हुआ, वैसा गिनायक का ही अनुभव करने पर गिनायक ही है। ये तो जानने की पर्याय गिनायक ही है, ये राग की पर्याय नहीं। अरे आई बात हो गई, श्लोक बहुत अच्छा है, निमचन है छठी का था, अब भावाल है, टीका तो चली गई है। हाँ तो 19वीं बात चलते हैं, 1000 बार तो समय सारा सभा में चल गया था, पहले से थी 1000 बार, अब 19वीं बात चलते हैं। वस्तु गहन कभी सुना नहीं, विचार में आया नहीं, क्या चीज है और उसकी दिशा में क्या होता है। पहले तो ये कहा कि वस्तु है तो त्रिकाली शुद्ध है, उनको दृष्टि करना ही शुद्ध है, और पर्याय में अशुद्धता आती है, इन कर्म संयोग जनित है, माटी मलिनता ने भेद पड़ते हैं, वे आएंगे पर्याय हुई, ये भी दूसरी बात है, छता वो पर्याय दृढ़ में नहीं। स्वग्नेय को जाना अने परग्नेय को जाना, ये पर्याय स्वपर प्रकाशक अपने से अपने में हुई है, छते वो पर्याय दृढ़ में है नहीं, पर्याय भेद है। हाँ, मुंबई वाला ने क्या नवराश मोड़ा मां, अब समझो गंदा आंखों की पाप वात की रूठे, जा करो ना करो ना करो ना, धंधा 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 पापना, धर्म तो नहीं पण पुण्य न मळे। एने दो चार कलाक सत सुनने में आते हैं, वो तो पुण्य भी बन जाए पर धर्म नहीं। धर्म तो ये पुण्य बंद का राग से दीन भगवान है, पूर्णानंद का नाथ गिनायक भाव है, उसकी दृष्टि लेना, इसलिए कि दृष्टि में गिनायक लेना। ये दृष्टि में राग आदि पर्याय आदि लिया है, ये दृष्टि में सारा तिकाली गिनायक लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, पर्याय की बात हो, वैसा गिनायक का अनुभव करने पर गिनायक है, ये जानने की पर्याय गिनायक की है। स्वना जानना परना जानना ये पर्याय गिनायक की है, अथवा गिनायक ये जानने में आया है पर्याय में। पर जानने में आया ऐसा है नहीं। अपना गिनायक चैतन्य प्रभु नित्यानंद ध्रुव, उसका जो ज्ञान सम्यक श्वसनमुख होकर आश्रय लेकर हुआ, ये ज्ञान की पर्याय में राग आदि शरीर आदि बाह्य चीज जानने में आती है, तो कहते हैं कि पर के कारण से जानने में आती है पर्याय, ऐसा नहीं। ये पर्याय का स्वभाव इतना स्वपर प्रकाशक प्रकट होकर अपने में अपनी पर्याय है ऐसा जानते हैं।
નિમિત્તમાં મારે બહુ સૂક્ષ્મ ભાઈ અત્યારે સંપ્રદાયમાં તો ગોટા ઉઠ્યા બધા, પણ હવે શું કરીએ એને બિચારાને ખબર નથી ત્યાં. આ ચીજ જે અંદર રહી જાય છે, સચિદાનંદ રૂપ, નિત્યાનંદ સહજાતું સ્વરૂપ, સહજ સ્વભાવી જેમાં પલટણની પર્યાય પર્યાય નથી, એસા સ્વભાવ જો વસ્તુ હૈ વો પર કે દ્રષ્ટિ ઉઠાકર અંદર દિકાળી ને દ્રષ્ટિ લગાના, વો દ્રષ્ટિ શુદ્ધ હૈ ને વસ્તુ શુદ્ધ હૈ, ઓર વો દ્રષ્ટિ શુદ્ધ હુઈ અને સ્વકા જ્ઞાન હુઆ, એ જ્ઞાન કી પર્યાય ને પર્યાય કા સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ હોને સે પર જાનને મેં આયા, એ પર કે કારણ સે જ્ઞાન પર ક્યાં હુઆ અહીંયા, એસા નહીં. એ તો અપના સ્વપર પ્રકાર સામર્થ્ય પ્રકાર જાનને કા વિકાસ હુઆ હૈ. આવી વાત છે. અરે જન્મ મરણ ના અંત લાવી નહીં જાણ, અત્યારે તો સાંભળીએ છે આમ જોવાન જોવાન માણસ ને હાર ફેલ, બેઠા બેઠા વાત કરતા હાર ફેલ, દીકરી હું હાર ફેલ, ક્યાં બિચારા મરીને જાય, આ ક્યાંય રખડવા ઢોરમાં પશુમાં કવતા, એના બંગલા ને પૈસા બધા પિરારે આવ્યા. પ્રભુ તને ઉગરવાના આરા હોય તો એ ઉગરવાનો આરો ઉતરવાનો એ ચૈતન્ય દ્રવ્ય છે. જે ટીકારી જ્ઞાયક ભાવ, ધ્રુવ ભાવ, સ્વભાવ ભાવ, કાયમી ભાવ, અસલી ભાવ, નિત્ય ભાવ, એની દ્રષ્ટિ કરને સે, આમાં પ્રવેશ કરને સે તેરે સમ્યક દર્શન હુઆ, એ સમ્યક દર્શન અંત ભાવ કા અંત કરને વાળા હૈ. દાસરી કોઈ ચીજ દયા દાન વ્રત ભક્તિ આદિ તો ભવ સંસાર હૈ. ક્યોકે જૈસા જ્ઞેય પર જ્ઞાન મેં પ્રતિભાષિત, પ્રતિભાષિત જૈસા હૈ એસા અહીંયા જ્ઞાન હુઆ, વૈસા જ્ઞાયક કા અનુભવ કરને તો જ્ઞાયક પર્યાય હૈ, અને જ્ઞાયક સે ઉત્પન્ન હોઈએ, પર સે પર કી નહીં પર સે નહીં. यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, ये ज्ञान की पर्याय में राग जानने में आया सही, पर जानने की पर्याय है ये तो मैं हूं है, मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, ये जानने वाली की पर्याय है ये मैं हूं, ये राग से जानने वाली पर्याय हुई है राग का ज्ञान ऐसा है नहीं. हा ક્યાં લઈ જવું એને, આવો માર્ગ છે એના ખબર વિના. 84માં રખડી મરે છે કાગડા ને કૂતરા ને સિંહ ને વાઘ, વરુણ અવતાર, એ વાણિયા મરીને મરીને ત્યાં જોવાના બધા ઘણા. ધર્મની ખબર ન મળે સાચો સત્સમાગમ બે ચાર કલાક જોઈએ એ વખત ન મળે, પાપ નો અસત સમાગમ, આ ધંધો એ અસત સમાગમ છે, અને કુગુરુ મળે તો એનો સંગ એ અસત સમાગમ છે. હા એ કે છે કે પર તું જે જાને મેં આયા સો તું નહીં હું, એ મેરી પર્યાય મેરે સે ઉત્પન્ન હોઈએ, રાગ કા જ્ઞાન શરીર કા જ્ઞાન
वो ज्ञान शरीर ने राग के कांसन का ज्ञान नहीं हुआ है, मेरी परियाई का समर्थ है ज्ञान ऐसा हुआ है। मैं तो शिकारी तो विनायक हूँ, पर उसकी परियाई जो ज्ञान विनायक को जाने अने पर को जाने, ये तो मेरी परियाई है। मैं जानने वाला और उपे प्रणिमा हूँ, राग ही प्रणिमा है। राग का ज्ञान हुआ, शरीर का ज्ञान, राग यहाँ प्रणिमा का आया है। ये राग के कारण से ज्ञान की परियाय पर को जानने में हुई है, ऐसा है नहीं। हाँ आओ हमारे से भाई, अंगे हिंदी नुके तुम्हारे भाई थोड़ू हिंदी कर जाके तो जाको हिंदी लो कि सवार में पहला आए थे तुझे कि हिंदी थोड़ू इनमें मन नहीं चाले, वो थोड़ू गुजराती थोड़ी हिंदी गड़बड़ चाले, आपको हिंदी लो भाई ने लेने कही तो। हा बापू मारगड़ा दूधा भाई यार, अरे सच सुनने में भी आवे नहीं तो सत्य का क्या चीज है, उसकी प्राप्ति तो महादुर्लभ है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो तो मैं ही हूँ। राग ने शरीर आदि क्रिया जो होती है जड़ की, उसका यहाँ ज्ञान होता है, ये तो मैं ही हूँ। ये ज्ञान की परियाय मेरी है, मेरे से उत्पन्न हुई है, पर से उत्पन्न हुई नहीं। हाँ कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, ऐसा अपने को भगवान स्वरूप चैतन्य प्रभु अपना ज्ञान हुआ, पर का ज्ञान में भी अपना ज्ञान हुआ, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तभी इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। क्या किया जानक स्वरूप जी भगवान आत्मा टिका, उसका जानने की पर्याय और ये समय यदि राग ने शरीर को जानते हैं, ये पर्याय का कर्ता तो आत्मा है। है ये जानने रूप क्रिया का कर्ता है लीला ने। पर्याय हो ना, क्रिया छे ना पर्याय। भिकारी चैतन्य विनायक पण मैं हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ और ज्ञान में अजी शरीर आदि लग पर ऊपर जाता है तो उसका इसमें ज्ञान होता है, तो उसका ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की पर्याय मेरा ज्ञान कृत है। ये जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। ये राग से ज्ञान हुआ तो राग करता नहीं, जानने का कार्य उसका कर्म कार्य ऐसा है नहीं। आओ हितराग नो मार्ग ये जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। सुनने जानना न पढ़ने जानना, ये जानने की क्रिया का कर्ता तो स्वयं आत्मा है। ये जानने की क्रिया पर का जानना हुआ तो पर कर्ता है, अने ज्ञान की पर्याय कार्य है, ऐसा है नहीं। और जिसने जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ये कर्ता भी स्वयं है अपनी ज्ञान की पर्याय का, अने कर्म भी स्वयं ही है, कार्य हुआ वो भी स्वयं है अपना। ऐसा ही ज्ञायक स्वभाव स्वयं शुद्ध है, ऐसा ही ज्ञायक स्वभाव स्वयं शुद्ध है। हिंदी दिया, हिंदी पुस्तक दिया, हिंदी है। हा तो त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा जिनेश्वर देव नी वाणी छे।
तुम कौन क्या है और कितना काल का है। मैं तो विनायक हूँ, इतना काल का है, मैं तो टिकाऊ हूँ। तो उसमें कोई पर्याय का भेद उसमें है कि नहीं, उसको जो जानने वाली पर्याय है तो अशुद्ध राग है, ये कोई उसमें है कि नहीं कि ना तेरे इसमें है नहीं। ऐसा ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान की पर्याय हुई। ये पर्याय तो सुखो जानते हैं, पर को जानते हैं, ये पर्याय उसमें है कि नहीं अंदर में, कि अंदर में नहीं पर पर्याय में दो का जानना ये मेरा में है। पर्याय में स्व का जानना पर क्या जानना ये पर्याय में है। समझ में आया क्या भाई? आएगा तुम जी प्रवीण भाई ने बेटा मनीष भी हो, मनीष भी हो भाई है। हाँ चैतन ज्ञान का पूंज है अंदर, जब ढोकरा होता है, ढोकरा क्या कहते हैं, बोरा, रू का बोरा बड़ा होता है 25-25 मन का, हा अनंत अनंत गुण का ज्ञान का बोरा है। उसमें से थोड़ा नमूना बाहर निकलते हैं कि जो भाई आ रू ऐसा है। ऐसे अज्ञायक का पूंज प्रभु, उसका ज्ञान करने से उसका नमूना रूप ज्ञान की पर्याय बाहर आती है। कि आज ज्ञान की पर्याय जो आई ऐसा ही सारा स्वरूप ज्ञानमय है। और ज्ञान की पर्याय जो अवस्था हुई ये है तो भेद टीका नहीं अपेक्षा है, पर राग तर्प का झुकाव नहीं। राग का ज्ञान तो हुआ ही तो स्व का झुकाव में हुआ है, वो कारण पर्याय को भी अभेद नाम स्वसन्मुख हुई, स्व के आश्रय से हुई तो अभेद हुई हम कहने में आता है। पर्याय के इंद्रिय में कुछ आती नहीं, पर्याय तो पर्याय में रहती है। भले विनायक का ज्ञान हुआ और राग का ज्ञान ये तो अपनी पर्याय हुई है, पर वो पर्याय कोई टिकाव में घुस जाती है ऐसा नहीं। पर्याय पर्याय में रहती है, द्रव्य द्रव्य में रहता है, छता द्रव्य का ज्ञान पर्याय में ज्ञान आता है। आप पूर्णानंद प्रभु है ऐसा ज्ञान पर्याय में आता है, पर ये वस्तु की पर्याय में आ जाती नहीं। समझ में आया? हवे हवे तो क्या है इसे? आ तो प्रभु न मार्ग छे, दिनेश्वर देव अनंत सर्वज्ञ अनंत तीर्थंकर आ बात कहता आया छे। एने अनंत वार सांभळी छे पण एने एने गोट रुची नथी, एने अंतर नो आश्रय करीने शरण लीधू नथी एने। शरण लिया नहीं, कहते हैं ऐसा ये ज्ञायक तो मात्र स्वयं शुद्ध है। टिकाड़ी यह शुद्ध नहीं का विषय है, या क्यों किया कि शुद्ध जो है टिकाड़ी, पर उसका यहां ज्ञान हुआ उसको शुद्ध है, तो ये पर्याय जो ज्ञान हुई एने भी शुद्ध कहने में आया। अभेद हो गई ना, जिस शुद्ध चैतन्य मूर्ति पूर्ण है उसका ज्ञान होकर इस स्व का सन्मुख हो गया, स्व के आश्रय हो गया, तो उसको भी अभेद कहने में, उसको भी शुद्ध कहने में अभेद नहीं अपेक्षा है। बाकी पर्याय है तो व्यवहार नहीं का विषय, चाहे तो केवल ज्ञान हो ये पर व्यवहार नहीं का विषय है।
सारी फुर्सत क्या नवराज का धंधा है, एक धंधो है क्या बीजो धंधो चलावे कारखाना, बीजो कारखाना तीजा कारखाना, हाँ नवरा क्या प्रभु है मूल में मग नहीं रुपया चाहिए, रुपया तो रुपया में रहते हैं, मेरी को मिला ऐसी ममता मिलती है उसको पैसा मिलते पैसा तो पैसा में रहते हैं आत्मा आता है, मेरे मिला ऐसी ममता उसके पास आई पैसा तो पैसा में रहा है भूड़ में हा पर्याय ज्ञान की हुई ये उसमें रही हम कहने में था प्रभु जो चैतन्य मूर्ति चैतन्य का प्रकाश का पूर्ण पुंज पिंड त्रिकाली उसका ज्ञान हुआ वो ज्ञान की पर्याय उसमें रही क्योंकि उसके आश्रय से उसका अवलंबन से अथवा उससे पर्याय हुई है आऊ आंखों कम से अरे आ क्या नवराश फुर्सत बालक हो क्या रमतू में जाए युवान थाय बाईडी में मूह में जाए वृद्धावस्था थाय जीर्ण सही ने जीवन पराधीन थी आम पहले से काम न दिया हो तो पची नहीं ले सके शासन ऐसा है जरा जाव न पी ली जीर्णता शरीर में न आवे शरीर में इंद्रिया हीन न हो और शरीर में रोग न आ जाए ये पहले करी ले पीछे नहीं हो गया प्रेसपोर्ट में है सितंबर में भी है सितंबर किया जाता है जरा जरा जाओ के लिए अपन दिगंबर में है वृद्धावस्था न आ जाए रोग शरीर में दिखाओ न आपे और इंद्रिया हीनी न हो जाए तब लग काम कर ले आत्मा का पीछे नहीं कर सके चला जाएगी जिंदगी तेरी निष्फल निष्फल नहीं धर्म ने माटे निष्फल भखड़वा माटे सफल दुख भोगवा माटे सफल आऊ सच स्वरूप छे नायक वा स्वयं सुधे शूद्रय का विषय है शूद्रने नो विषय तो टिकाव छे પણ એ વિષયને જાણ્યું ને ત્યારે તેને શુદ્ધ કહેવા માંગ્યું ને એ અપેક્ષા પર્યાય ને પણ શુદ્ધ નહીં નો વિષય કહેવામાં આવે છે તો વિષય ત્રિકાળી શુદ્ધ પણ એનો વિષય કરતા જે પર્યાય નિર્મળ પ્રગટ થઈ એ પણ એ બાજુ ઢળી ગયેલી છે ને એટલે એને પણ એક જ્ઞાએ 14મી ગાથામાં આત્મા કહો કે શુદ્ધ નહીં કહો અનુભૂતિ કહો એમ કહેવામાં આવ્યું છે એક અપેક્ષા અહીં તો ત્રિકાળી શુદ્ધ ને વિષય કીધો અને જો પર સંયોગ જનિત ભેદ હૈ મલિનાની વે સબ ભેદરૂપ અશુદ્ધ રહ્યા છે ને કા વિષય હૈ પર સંયોગ જનિત મલિનાદી પર્યા હૈ અથવા ભેદ હૈ પ્રમતો પ્રમત એ સબ ભેદરૂપ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં यूं क्यों कहा कि द्रव की पर्याय है वो अपेक्षा से अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा ये मलिन पर्याय प्रमत पर द्रव की है ने ये अपेक्षा है द्रव की पर्याय में उत्पन्न हुआ है ने तो अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा ये अशुद्ध द्रव्यार्थी नहीं भी शुद्ध द्रव की दृष्टि में पर्याय की है
अशुद्ध क्यों कहा कि द्रव पोते पुतानी पर्याय में अशुद्ध रूपे होती है वो कहने ने अशुद्ध जाति कहने में आया है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक शुद्ध द्रव की दृष्टि में पर्यार्थी की है तो पर्यायी है भेद प्रमत प्रमत समय और इसने व्यवहार नहीं है क्या किया त्रिकालीय वस्तु जो भगवान शुद्ध चैतन्य वो शुद्ध नहीं का विषय पर्याय हुई भेद प्राण जो मलिन पर्याय संयोग जनित का भेद है चौदह गुण स्थान शुभाशुभ भाव ये तो अशुद्ध द्रव्यार्थी ये द्रव्य पूते पद पर्याय में भेद रूपे पर्याय हुई ये अपेक्षा से अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा पर ये अशुद्ध द्रव्यार्थी ये पर्यार्थिक है अने पर्यार्थिक है वो ही व्यवहार है। કેટલું યાદ રાખે આમાં એક કલાકમાં આ તો બાપુ જગત થી જુદી જાત છે બાપુ ધર્મની જાત જિનેશ્વર ત્રણલોક નો નાથ પરમેશ્વર કહે છે એ બાપુ આખી જગત થી જુદી છે દુનિયામાં ક્યાંય મેળ ખાયો નથી શું કહ્યું ક્યાં ક્યાં કે દો ભેદ એક ત્રિકાળી દ્રવ્ય વસ્તુ જ્ઞાયક ભાવ એ શુદ્ધ નહીં કા ધ્યેય વિષય ઓર પર્યાયમાં જો ભેદ હૈ ચૌદ ગુણ સ્થાન શુભા શુભાદિ વો અશુદ્ધ દ્રવ્ય દ્રવ્ય પોતે અશુદ્ધપણે પ્રમાણ હૈ પર્યાય તરીકે હો એથી એને અશુદ્ધ દ્રવ્યાથી કહ્યું એની પર્યાય છે ને એમ એમ ગણીને એ અશુદ્ધ દ્રવ્યાથી છે अशुद्ध द्रव्य जनों प्रयोजन ये शुद्ध द्रव्यार्थिक है उसको पर्यार्थिक कहते हैं आप उसको व्यवहार कहते हैं बिना पलाखा आकर अरे अनंत काल नो जानो मार्ग बापू वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर એની ભાષામાં દેવ ધ્વનિમાં પ્રભુની વાણીમાં આવ્યું છે એ આચાર્યો એ આ રીતે ગાથામાં રચના કરી છે એનો ભાવાર્થ પંડિતો એ જયચંદ પંડિત થઈ ગયા છે એને ભેજ છે આ તો ભાવાર્થ છે શું કહેવા માગે છે ક્યાં કહેને મેં આતા હૈ એ નિષ્પષ્ટતા ભાવાર્થ મેં લે લીધી સમજમાં આયા પર્યાથી કે ઇસને વ્યવહાર નહીં હી હૈ એ જ્ઞાયક ભાવ મેં પર્યાય મેં ચૌદ ભેદ જે ગુણસ્થાન કા ભેદ દીખતે હૈ એ વ્યવહાર નહીં હી હૈ પર્યાય જ વ્યવહાર નહીં હૈ દ્રય નિશ્ચય નહીં કા વિષય પણ જીસકો નિશ્ચિત વસ્તુ કા જ્ઞાન હોતે હૈ ઉસકો ભેદ કા રાગ કા જ્ઞાન અપને સે અપને કારણ સે હોતા હૈ એસા આશય સમજના ચાહીએ ઇસને વ્યવહાર નહીં હી હૈ જો વ્યવહાર નહી હૈ જો એસા આશય સમજના ચાહીએ વિશેષ કહી ગયો